हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लार्सन एंड टर्बो की, यानी एलएनटी की। एलएनटी कंपनी का जो यहां पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा 8 मई 2024 आप देख सकते हैं, आज ही का डेट है। आज यहां पे कंपनी Q4 क्वार्टर की रिजल्ट्स भी पब्लिश करने वाली है। तो अभी क्या अपडेट है, तो यहाँ पे उसकी अपडेट क्या है जो भी मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कई सारी अपडेट्स हैं एलएनटी के अबाउट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। जो यहाँ पे पहला जो अपडेट आपको देखने को मिलेगा, की ऑर्डर विंस इन रिन्यूएबल्स एंड ग्रिड सिस्टम रिफ्लेक्ट एलएनटी डोमिनेंस इन क्लीन एनर्जी स्पेस। कंपनी को एक नया ऑर्डर विन हुआ है, यानी मतलब मिल चुका है, और एक तरह से एक नई अचीवमेंट कंपनी के लिए दोस्तों, जो यहाँ पे क्लीन एनर्जी से रिलेटेड काम करने वाली है एलएनटी, यानी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी, जो यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखो मल्टी वैगर रिटर्न देती हुई नजर आई है। और ये कंपनी के अगर आप रिटर्न की खास करके अगर आप 6 मंथ की अगर बात करें तो 15% का रिटर्न देखने को मिलता है, 1 साल में 45% और 5 ईयर्स में 154% की शानदार रैली देखने को मिला है। तो यहाँ पे 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न एक तरह से कह सकते हैं एलएनटी ने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया, और यहाँ पे कंटिन्यू और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला एलएनटी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 18,830% का रिटर्न अब तक दे चुका है एलएनटी अपने शेयर होल्डर को। तो दोस्तों यहाँ पे आज तो Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स भी आने वाला है, लेकिन यहाँ पे Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स के अबाउट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं जो बात करने वाला था यहाँ पे, वो क्या न्यू ऑर्डर्स बीन हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लाइक करें, और यहाँ पे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा, जिससे आने वाला जो नोटिफिकेशन मेरा होगा वो आपको इजीली से मिल जाए। यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ओनली यहाँ पे लर्निंग पर्पज के लिए हम वीडियो दे रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, चेक करोगे तो वहाँ पे अपस्टॉक और जीरोदा का लिंक भी पड़ा हुआ है। अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो उसी लिंक से जाके आप अपना ओपन कर सकते हैं अकाउंट अपस्टॉक पे, और अपस्टॉक पे खास करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन होगा, और उसमें एक तरह से अगर हम देखें तो ये आपको कई सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ट्रेडिंग भी उसे चार्ट वगैरह एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें एक तरह से 10 इंडिकेटर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स बीन मेजर इंक्लूड फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स इन इंडिया आपको देखने को मिलेगा। मुंबई 8 मई 2024 का है। द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ऑफ लार्सन एंड टर्बो हैज वॉन मल्टीपल ऑर्डर्स इन इंडिया। यहाँ पे एक ऑर्डर नहीं, मल्टीपल ऑर्डर्स मिला है, जो एब्रॉड विज स्टैंड टेस्टिमोनी टू डोमिनेंट पोजिशन इन द रीजन क्लीन एनर्जी स्पेस में काम करेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर इस्टेब्लिश 2 फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स इन इंडिया आपको ऑर्डर देखने को मिल रहा है, इसके जिसके आप देख सकते हैं कि फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी मोर देन 150 मेगावाट एसी आपको देखने को मिल रहा है। ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी 120 मेगावाट कैपेसिटी वाला देखने को मिल रहा है। तो ये सब सारे आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे रिसीव्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश 765 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए मिला है। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के लिए दिया गया है, जो यहाँ पे अगर आप देखो इंटीग्रेटेड सोलर एनर्जी जोन्स इन राजस्थान एंड कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें सिक्योर्ड अनदर ऑर्डर जो स्टेट ऑफ कुवैत की तरफ से मिला है 400 kV गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के लिए, और यहाँ पे एक तरह से अगर आप देख सकते हैं बाहर के देश ओमान से मिलता हुआ 400 kV नेशनल ग्रिड के लिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क जो यहाँ पे मल्टीपल एक तरह से कहें तो यहाँ पे इस कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर ऑर्डर पे ऑर्डर मिलता जा रहा है, कंटिन्यू कई सारे ऑर्डर मिल चुके हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो यूनाइटेड अरब इमराइट से यहाँ पे आपको ऑर्डर मतलब दुबई से मिलता हुआ नजर आया 132 kV सब स्टेशन विद एसोसिएटेड वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यहाँ पे एक तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी इम्प्रेसिव नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड
इस कंपनी के 23 बिलियन इंडियन मंथली इंडियन ईपीसी प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिल रहा है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, 50 कंट्रीज के अंदर अपना सर्विस एक तरह से ऑपरेट करती हुई नजर आती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है जो कितना से कितना करोड़ का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अल्ट्रा मेगा की, मेगा की, मेजर की, लार्ज की और साइनिफिकेंट की, ये सब सारे वैल्यूज जो दिए गए हैं इन करोड़ में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स आज, कंपनी अपकमिंग रिजल्ट्स डेट टुडे, आज ही का डेट है वो, और यहाँ पे Q4 क्वार्टर रिजल्ट्स पब्लिश करने वाली है। अगर आप इस कंपनी के Q4 क्वार्टर के पहले अगर आप देखो Q3 क्वार्टर में कंपनी ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी किस प्रकार का दे सकती है। तो देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर और ये दिसंबर 2023 का, तो 46,390 करोड़ से सेल्स बढ़ के 55,128 करोड़ का सेल्स हो गया। यहाँ पे 14% से मार्जिन घट के 13% हुआ था और 3,058 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 3,593 करोड़ प्रॉफिट हो गया। यानी मतलब कंपनी के प्रॉफिट में बहुत तगड़ा इंक्रीज है, सेल्स में इंक्रीज है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है। लेकिन क्या इस बार भी 13%, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखो तो पिछले साल में दिसंबर में से मार्च में जब आया था तो मार्जिन बराबर ही रह गया था, लेकिन यहाँ पे सेल्स बढ़ा था, प्रॉफिट बढ़ा था। तो इस बार भी ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। इसी के अकॉर्डिंग मार्जिन इतना 13% ही इस बार भी रहेगा मार्च 2024 के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेल्स में, तो सेल्स में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है काफ़ी अच्छा खासा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है L&T के अंदर, यानी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के अंदर। दोस्तों एक तरह से देखें तो मार्केट कैप 4,73,635 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। वन ऑफ द एक तरह से कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक नाम आता है L&T का। और यहाँ पे बेसिकली इनका जो बिजनेस है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका बिजनेस है जो कंस्ट्रक्शन में है, खास करके हाइड्रोकार्बन में, पावर में और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, डिफेंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिनेंशियल सर्विसेज में, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ये दोनों मार्केट कवर करती हुई नजर आती है। इंडस्ट्री के पी 41 और इनका पी अभी 37 पे है, यानी इंडस्ट्री के पी से अभी भी इसका स्टॉक है जो डाउन है। डेप टू इक्विटी ज़्यादा है थोड़ा सा। यहाँ पे EPS 91 रुपये का जनरेट करती है कंपनी, ROC या ROE उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन कंपनी डिविडेंड देती है 0.71% का। 2 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर प्राइस अभी आपको देखने को मिल रहा है। 78,137 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को, सॉरी रिजर्व्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 7 है और 1,081 रुपये इसका एक तरह से रिजनेबल प्राइस हो सकता है, ऐसा यहाँ पे एज पर द ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, तो यहाँ पे प्रमोटर हैं जो अपनी होल्डिंग थोड़ा सा कम करते हुए नजर आए रिसेंट क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पे FIIs खरीदारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबल है और सॉरी प्रमोटर नहीं है, FIIs बिकवाली कर रहे हैं, DIIs खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट है जो स्टेबल रखे हुए हैं होल्डिंग, और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। तो दोस्तों L&T के अबाउट मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट दे दिया हूँ, बाकी रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।